फाइव पॉइंट्स की जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो नर्सिंग फील्ड है वो क्यों एक अच्छा करियर ऑप्शन है। अगर आप क्लास ट्वेल्थ के बाद जो नर्सिंग फील्ड है उसमें अपनी ग्रेजुएशन को कंटिन्यू करते हो तो आपके पास प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब्स के ऑप्शन अवेलेबल है और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें भी जॉब्स के जो ऑप्शन है वो अवेलेबल है। अगर आप ग्रेजुएशन जो है उसको इंडियन आर्मी के मेडिकल कॉलेज से कंटिन्यू करते हो तो आपकी जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी उसके बाद आप इंडियन आर्मी के जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपनी जो जॉब है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी एग्जाम जो है उसमें पार्टिसिपेट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन अगर आप इंडिया के और जो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जो टॉप के बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा भी बीएससी नर्सिंग कोर्स जो है उसको कंटिन्यू करवाया जाता है, तो अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग की जो डिग्री है उसको कंटिन्यू करते हो तो जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी उसके बाद आप एनओआर सीईटी वगैरह के जो एग्जाम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और जो नर्सिंग ऑफिसर या फिर जो स्टाफ नर्स के तौर पर अपनी जो जॉब है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप जो भी अलग अलग स्टेट में जो सीएचओ यानी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो भी वैकेंसीज वगैरह अवेलेबल कराई जाती है, स्टाफ नर्स की जो भी वैकेंसीज वगैरह अवेलेबल करवाई जाती हैं, आप उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, उन एग्जाम्स को क्रैक करके जो एज ए सीएचओ अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो। जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं वहां पर बेसिकली स्टाफ नर्स वगैरह की जो जॉब है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट सेक्टर में आप अपनी जॉब को कंटिन्यू नहीं करते हो तो प्राइवेट सेक्टर में भी आप जो प्राइवेट क्लिनिक हैं उनमें एज ए स्टाफ नर्स अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हो। तो अगर आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मतलब क्लास ट्वेल्थ बायोलॉजी से कंप्लीट की है अब इसके बाद मतलब मेडिकल फील्ड को कंटिन्यू करना है लेकिन नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं करना है या फिर डॉक्टर नहीं बनना है तो कौन सा करियर ऑप्शन सही रहेगा, तो नर्सिंग जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। क्योंकि इसमें एक तो क्या है कि जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा है, उसके बाद सैलरी, अगर आप एम्स में एज ए नर्सिंग ऑफिसर अपनी जॉब को कंटिन्यू करते हो तो लगभग 50 से 60 हज़ार जो है वो सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप मतलब थोड़ी सी मेहनत कर लो, जो भी एग्जाम वगैरह है उनको क्रैक करो सही से, ठीक है, सही से जो भी पढ़ाई है उसको करो, तो नर्सिंग आपके लिए एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन जो है वो साबित हो सकता है। अगर आप स्टाफ नर्स या फिर जो नर्सिंग ऑफिसर है उसकी जॉब को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हो तो आप जो हायर एजुकेशन, जैसे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है तो आप नर्सिंग फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन को कंटिन्यू कर सकते हो, जो एमएससी नर्सिंग या फिर जो स्पेशलाइजेशन, जो डेफिनेट फील्ड में अलग अलग जो पोस्ट ग्रेजुएशन कंटिन्यू करवाई जाती है आप उनको कंटिन्यू कर सकते हो। उसके बाद जो भी अगर आप इंटरेस्टेड हो कि आपको टीचिंग कंटिन्यू करनी है तो आप जो गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनमें एज ए टीचर अपनी जॉब जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको मतलब कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है और आप